राम राम जी सारा, उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग। और आज भाई संडे है और किटू की है छुट्टी, और आज थोड़ा बूंदी का रायता बनाया है और तोरी की थोड़ी सब्जी बना लेती हूँ। इंजॉय करो ये सब संडे वाले दिन। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं काम अपना। तो ये तोरी है, तोरी काट देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं काटूंगी, छोटी छोटी बनाऊंगी बस, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी, छोटी छोटी काट के और थोड़ी थोड़ी कस देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं कसूंगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ही कसूंगी। और कैसी है सब, सब बढ़िया होंगे, आज तो संडे है, आज तो बच्चे इंजॉय करेंगे और चैन से रहने भी नहीं देंगे घर वालों को। तो मैं काट देती हूँ सब्जी, कल हमने लगाई थी गुस्से ज्यादा, वो रहती है मकाई बनाते तो है नहीं, मका चलो इनको लगा देते हैं, फिर वहाँ से सारा संगवा सु हुआ, फिर फोन में बैठी नहीं थी चार्ज, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मका चलो रहने दो। और बताओ कैसी हैं सब, आज मैं फिर से लाई आऊँगी, कल नहीं आने मिली, कल कुछ काम सा हो गया था ज़्यादा, तो कल मैं फिर लाई आई ही नहीं। और भी आज संडे है, नहा धो लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में, और कपड़े कपड़े नहीं धोए, कपड़े कपड़े शाम को देखेंगे, धोएंगे तो नहीं तो क्योंकि ड्रेस धूरी है तो फिर धो लेंगे, कल धो लेंगे नहीं तो फिर। मखा थोड़ा बूंदी का रायता बना दिया, छुट्टी है ना बच्चों की, तो बूंदी का थोड़ा सा रायता बना दिया, बूंदी का रायता हो जाएगी साथ में दही हो जाओगी, क्योंकि मेरी मम्मी को बूंदी का रायता ना बहुत कम खाएगी, और मम्मी को दही दे दूंगी और इतना आटा गूंदूंगी, जल्दी हो जाया करें, एक बाफ में हो जाया करें, थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया करें हैं। तो दिखाऊंगी माँ को थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सी मैंने साफ की है, बिल्कुल दर्द नहीं है, मेरे को तो अच्छी लगती है तोरी की, पर घर वाले नहीं खाते। मैं इसमें थोड़ी सी प्याज काट लूँगी और टमाटर काट लूँगी, अच्छी सी बन जाएगी फिर। वैसे तो कोई कोई तो ज़्यादा भी छील देता, कोई कोई बिल्कुल भी नहीं काटता, वैसे धो के तो रख रखी है हमने, धो दो सब्जी लेते हैं ना, धो देते हैं, जो धोने वाली सब्जी होती है वो सारी धो के ही फ्रिज में रखते हैं, बगैर धोए नहीं रखते। तो साफ करके टमाटर थे, बहुत सारी सब्जी लाए थे, टमाटर तोरी खीरे सभी धो के फ्रिज में रखी थी, फिर वो फिर अच्छे से इनको धो लूंगी। और बताओ भाई, वही बात है, ये गर्मी में ना था सब्जी को खाने मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, वह थोड़ी सी चटपटी सी बना लेंगे, थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे। चलो भैया धो लेती हूँ मैं, और टमाटर गोभी इकट्ठे कर देती हूँ, टमाटर है और मेरा अच्छा है, मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं, भैंस को सुबह नहीं नहाते क्योंकि ये बीमार होगी थी, तो फिर मखा भैंस पे तो जब लाइट बाजन तो पहला ना पंखे बंद हो जाएंगे उस टाइम पर नहा दिया करूँगी, क्योंकि तासीर ऐसी ही हो जाती है भैंस की, और नहीं तो आम तो ना सुबह जरूर नहाया करते, मॉर्निंग में ही नहा दिया करते, पर ये बीमार हुई पीछे थोड़ा सा डरसा लग गया, मखा सुबह नहीं नहाते क्योंकि रात को ना ठंडा शरीर हो जाता है डांगर का, तो इसलिए फिर मखा चल छोड़ो दिन में नहा दिया करूँगी, क्योंकि दिन में एक तो लाइट आ जावा है तो दिन में नहा दिया करूँगी सुबह। चलो ये तो मका काम करता है सुबह वाला, नहीं तो डेली एक जोटा लग गया करता, बाकी फरस फरस तो दो तीन दिन में धोना पड़ा है, दो तीन दिन बाद सारा साफ करके सारा धोया धाया है, तो सुबह मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई, मका चल रहने दो। और भी चलो अब सब्जी बना देती हूँ तोरी की, मैं दिखाऊंगी तोरी की कैसे सब्जी बनाऊंगी आपको। टमाटर भी हो गए, ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, इनमें पानी अपने आप ही हो जाते हैं, प्याज और काट देती हूँ, प्याज भी बहुत महंगे थे, हमने एक कट्टा ले रखा था, एक कट्टा प्याज का खा गया हमें, महंगाई का तो उड़े नहीं, इतनी महंगाई हुई है। और कल हमारी यहाँ ना गुआने में मोदी जी आए थे, हेलीकॉप्टर द्वारा आए थे, सब कुछ इतना जाम हो रहा था और कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी हस्बैंड जी कह रहे थे कुछ सामान लेते तो बोले कुछ भी नहीं मिल रहा था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलो अभी मैं बना देती हूँ सब्जी, अभी अच्छे से मैं सब्जी को धो लाई हूँ। और पता क्या बात है, ज्यादा मतलब तली और भी चीज अब अच्छी नहीं लगती, ये भी शुरू शुरू में ये अच्छी लगती है, जो जो उम्र बढ़ती जाती है तली और चीज अच्छी नहीं लगती, अब ज्यादा रिफाइंड में बिल्कुल भी
अच्छी लगती है। सारी चीज मतलब सासर की होनी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड डाल दूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज्यादा ऑयली चीज भी अच्छी नहीं रहती। सुबह सुबह आ जाते हैं, बेच लो ले लो, बेच लो ले लो, क्या ले क्या बेचे, मॉर्निंग में ही आने लग जाते हैं। प्याज मैंने कट कर लिया है, प्याज भी कट कर लिया, टमाटर भी कट कर लिए हैं। और बताओ जी कैसे हैं सब। कई कमेंट रात को देर आती है फिर रिप्लाई नहीं देने पाती। मोहम्मद रहमान जी की, मोहम्मद सुल्तान जी की, योगेश्वरवादी की, योगी जिया की, और सुभाष चंद्र जी अभी काफ़ी पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, अब उनकी कॉमेंट नहीं आती, बहुत ही कम आती हैं, वो लोग देखते हैं या नहीं देखते, तो रात हो जाती है काफ़ी, फिर मैं सो जाऊँ तो इस करके फिर रिप्लाई नहीं दे पाती। 10 बजे आती देती हूँ मैं कमेंट का रिप्लाई, उसके बाद नहीं देती। और आज देखूँगी, सोचती हूँ भी लाइव आ जाऊँ थोड़ी सी दिन में, अगर टाइम लगेगा तो दिन में देखूँगी। तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया इसमें और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। प्याज मैंने कट कर रखे हैं और ये मेरे चोर कट कर देती हूँ क्योंकि बकुंडी में नहीं कूटती, लहसुन वगैरह कूटा जाता नहीं, लहसुन के साथ ही मिर्च को, तो एक ही मिर्च, एक या दो मिर्च कूटनी है इसमें, तो इसी में कूट दूंगी मैं। तो भी इसमें मैंने प्याज काट दिया था, टमाटर थोड़े से होने के बाद फिर मैं पूरी डाल दूंगी, अच्छे से मैंने धो ली है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी सब्जी बनानी है क्योंकि ये कटोरी दाल की बची हुई है, और बूंदी का रायता हो गया, दही होगी खाने में, बहुत सारे सिस्टम हो जाएंगे, खीरा काट लेंगे, और इधर में भी इतनी भूख भी ना लग दी, तो थोड़े से अच्छे से टमाटर होने के बाद मैं ये थोड़ी डाल दूँगी, तो पतली पतली ही हो जाऊँगी, ज़्यादा मतलब वो नहीं बनाऊँगी, गाढ़ी 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 गर्मी में कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। और जी और बताओ कैसे हैं, यूट्यूब वाले ने मुझे इतना बढ़िया मौका दे रखा है अगर बैठे ही ये पैसे कमाने का, तो भी मैं दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगी आप भी अपना यूट्यूब पर चैनल खोलिए और आगे बढ़िए, वही अपना काम भी करते रहते हैं और काम भी हो जाता है, वीडियो भी बन जाती है। तो देखो मेरा ऐसे शौक बन के हो गया है तैयार है, मैं इसमें डाल देती हूँ पूरी, फिर ज़्यादा सब्जी बनाना था ना फिर शाम को फिर खानी पड़ती है, शाम को भी ये हो जाए चटनी, चटनी हो जाए चटनी के साथ ही खा ले सब्जी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। और सिर्फ देखो तो दो ही तोरी काटी है मैंने, दो ही तोरी में अच्छे से बरकत हो जाएगी, अच्छी सब्जी बना दी मैं। और कुकर में तो बिल्कुल भी पानी मत डालिए, इसमें कुकर में तो अपने आप तोरी में पानी बन जाता है। तो इसको ढक के रख दूंगी, हो जाएगी तरह, इतना आटा उटा गूंद लूंगी मैं। चलो लग देती हूँ इसको, और अब गूंद लेती हूँ आटा। तो भी आटा भी मैंने गूंद दिया है, और मैं क्या कर रही थी, यही कर रही थी यूट्यूब वाले ने कहा बढ़िया मौका दे रखा है, और अगर ना बनेगी तो सिर में भी चक्कर दर्द हो जाता है, मैं तो ये चिंता हो रही है जो उनकी छुट्टियां में कि क्योंकि छुट्टी पड़ेंगी तो वो लोग कैसे बनेंगे, बनाने देगा या नहीं बनाने देगा। तो आप भी सभी अपना चैनल खोलिए, एक दूसरे का सभी सपोर्ट करिए, वही सपोर्ट करेंगे। आटा मैंने उसन दिया है, और अभी मम्मी को रोटी दे दूंगी बना करके, पहले सब्जी देखती हूँ मैं रख रखी है बन जाएगी ना, क्योंकि तोरी की सब्जी जल्दी बन जा रहे हैं। और बताइए और कैसी हैं सब, खाना लग गया, मैं अभी तैयारी कर देती हूँ।
या चुकरे गर्मी ना मारा करे जिसमें गर्मी गर्मी बन रही हो ना ना बोलवा तो तू को दे दे एक कटोरी में तो दादी के दही गाल दे एक कटोरी में वो रायता गाल लिया और एक एक मग मसी तो गाल दे कोई ना थोड़ा सा गाल भी दे कोई बात ना खा भी तो ठीक से रोटी और आप भी आइए आप भी खाना खा लीजिए मैं हाथों का बूंदी का आज खाने में हमने बूंदी का रायता हो गया खीरे हो जाएंगे दही हो जाएगी और लस्सी हो जाएगी और इसकी तोरी की सब्जी हो जाएगी इतना हो गया खाने में क्योंकि एक टाइम ही बढ़िया लगा रोटी खाने के बाद है ना फिर रोटी खाने जी नहीं करता कुछ फिर दिन में तो जिस तरह जूस जैसे बना लिया केला का जूस बना लिया तरबूज काट लिया बस दिन में तो ये खा लिया करा फिर शाम में रोटी खावांगे गर्मी में बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता तो पहले गाय की बना देती हूँ मैं और चलो मेरे साथ बने रहना वो लोग मैं एक बार मम्मी को रोटी दे देती हूँ मम्मी की रोटी बना देती हूँ क्योंकि कई दिन मैं गांव से आई है ना तो अभी बना के एक बार दे देती हूँ इंतजार में बैठी है मिलते हैं बने रहना फिर तो भी बच्चे कह रहे हैं अभी तोरी क्यों बनाई है हमें आया भाई तोरी से एलर्जी दाल से एलर्जी और आलू की सब्जी से भी एलर्जी हो रही है हॉस्टल में जाकर क्यों वहां पर और मुखा किस चीज की बनाए भी भिंडी की बनाओ भिंडी डेली भिंडी भी नहीं चलाई डेली करेला भी नहीं चलाई क्योंकि सब तो भी और चीज हो जाए है तो भाई तोरी तो अच्छी लगा बस ये और इसी दिन में पहली बार ही बनाई हमने ये तोरी तो कह रहे तोरी क्यों बनाई और क्या सब्जी बनाई समझ में नहीं आता कुछ भी बना ले सब के नखरे अलग अलग हैं किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती है कोई कहेगा बेस्ट खाना है कोई कहेगा अच्छा नहीं लगा है तो भी बनाने वाला इतना प्यार से बनाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए तो मम्मी की तो रोटी डाल दी हस्बैंड जी आकर दे देंगे सामना और दे दे बेटे तो भी हस्बैंड जी की आवाज आई मजा नहीं आया चारपाई के ऊपर बैठ के खा रहे थे खाना फिर मेरा उठा गुस्सा बाकी खाने की कर रहे थे तारीफ वो बोल रहे थे भी चारपाई पे बैठ के नहीं आया हमें नीचे ही खाते हैं खाना तो नीचे ही अच्छा लगता है अपनी धरती माता पे बैठ के खाना खाना चाहिए चलो मखा अच्छा खाना बता लो आज आड़ा बैठ के बढ़िया लगा है खाना तो वहां बैठे थे लो नमक कैसा लगा देखो भाई तोरी है कि सब्जी रही रायता रहा बूंदी का नून मिर्च रही और लस्सी लेते नहीं हस्बैंड जी बिल्कुल भी और उधर दादी खाना खा रही है चार पाई पे बैठ के मजा नहीं आया अच्छा चार पाई पे बैठ के कह रहे थे आग बुलाओगी रसोई में कुछ तो पसीना था कुछ और ना दिया ऐसे बोलो ना खाने के पहले तारीफ करनी चाहिए ना तो चार पाई पे बैठ के मजा नहीं आया ना खाने में अच्छा चलो ले तो भी काम कुम तो हमारा बन गया 9:30 बजे है देखो इतनी फर्स से काम करके फ्री हो जाते हैं बम हो गए फ्री और अभी थोड़ी सी हवा हवा खाएंगे और इस गुड़िया के साथ आज लड़ाई करनी है मैंने ये ज्यादा रिफड़ा है इसकी लीड तोड़नी है इधर मम्मी लेके हुई है सुनाऊंगी इधर मम्मी लेके हुई है वो एयरपोर्ट्स में ये एक काम हुआ क्यों ना वो एक चीज हो क्यों हुआ के वो एयरपोर्ट्स वाला हां मैंने बात सुन ली काम पर गया खाना पीना भी हो गया मम्मी को खिला दी बच्चे को खिला दी रोटी और आज मैंने पोछा पोछा रसोई का मैंने कुछ नहीं कहा सिर्फ खाना खाना बनाया था आज फिर मैंने ना रसोई साफ की ना ही जोड़ पोछा लगाया फिर मैं खाना खा के अपना रेस्ट करने लगी अब और मम्मी उड़ा भी सोया कर दी तू एक बार एक एक मकान का लीड ला दे मेरा सुना गाना सुना देख मम्मी
अच्छा उधर कल की भूखी आई थी खेतन। हाँ बड़ी मोटी ले सौ रुपये। फिर मैं क्या करूँगी? सौ रुपये वह देखा गई थी, सौ रुपये पचास मेरी मम्मी देखा गई थी। मेरे एक थम गई थी, मेरे एक थम गई थी टूर्नामेंट। फिर कितने ओके ओके है वो उसकी रिम्पू की, रिम्पी की भूखी थी, रिम्पी की भूखी थी उड़े वो रहे। यू तक यू सूटना पा रहा करीब तू यो बदल लिए इसने गर्मी के वो पैर आकर कैसे कैसे ही ये तो उसका है सा कर दा है। ये तो जा तो पार दिया था मेरे तो नूज नूज लिया था कहते दो तोड़ दे इसकी थोपड़ी नगड़ी बोल रहा है या इसी अली उठ दलो कोई पड़ेगी कबड़ी करो ये क्या करे एक बंदे का एक कान का लगा दिला देखो कुछ गाने सुना नू देखूंगी ले सारे बुलाई थे मैं तो कौन आई फिर तू आई कौन तरह दोबारा करवाओ जब मैं भी आऊं सारे करावांगे की भूख थी तो भी मार कर आड़े दिन मैं भी मच्छर लड़ा है क्या तेरे बोलवा थोड़ी जी सारी आ रही थी है मैं कोई होगी तो बाबू और बा थोड़ी आ रही है ए वाली पिक वाली क्यों भेजी हाँ ये पंद्रह ना जी थी बड़ा पिछा का बटन जब तक अले बढ़ती है। तो भी आज के व्लॉग का दाइन मैं ये करती हूँ, मेरी वीडियो को यूँ सपोर्ट करते रहा करो, अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहा करो और यूँ ही साथ देते रहो। आज के व्लॉग का दाइन मैं यही करूँगी क्योंकि 9 भी नहीं बचे हैं और काम बन चुका है सारा। अभी दिखाती हूँ मैं टाइम, मैं तो डेढ़ लगे दिए पीछे के लिए अभी 9 ही बजे रुक जाए एक बार 9 ही बजे है अभी। आई यू के अभी बोला तू यू के चल ना कि बहन की लाइट सी जला है ऊपर वाले सी क्या की जला है। तो भी अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।